गेज नेपाल को 10 विकेट से रौंद कर सुपर फोर में पहुंचा भारत और फिर होगी पाकिस्तान से टक्कर। जी हां गाइस, टीम इंडिया एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की है। बताएं कि नेपाल टॉस गंवाने के बाद कैंडी के पल्लेकल स्टेडियम में 48.2 ओवर में 230 रन जुटाए थे, जिसमें नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा रन आसिफ शेख ने बनाए थे। गेज आसिफ शेख 97 बॉल पे 58 रन की पारी खेली। उसके बाद सोमपाल कामी 56 बॉल पे 48 रन की पारी खेली और कौशल भुरटिल 25 बॉल पे 38 रन बनाकर आउट हुए। वहीं गुलशन झा 35 बॉल पे 23 रन बनाकर आउट हुए। एंड गेज दीपेंद्र सिंह एरी 25 बॉल पे 29 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पे नेपाल की टीम 48.2 ओवर में 230 रन लगाए थे। एंड गेज टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज 3-3 विकेट चटकाए थे। उसके बाद जब टीम इंडिया टारगेट का पीछा करने उतरी तो 2.1 ओवर का खेल होने के बाद बारिश आ गई और करीब 2 घंटे तक खेल रुका रहा। और बारिश रुकने के बाद अंपायर्स मुआयना किया और टीम इंडिया को 23 ओवर में 145 रन का टारगेट दिया, जो उसने 21.1 ओवर में बिना कोई विकेट गवाए हासिल कर लिया, जिसमें रोहित शर्मा 59 बॉल पे 6 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 75 रन ठोके थे और शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 62 बॉल पे 67 रन की पारी खेली। गिल अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया और इसी के साथ भारत इस मैच को 10 विकेट से अपने नाम किया और मैच जीतने के साथ साथ भारत सुपर फोर में एंट्री कर ली है। एंड गाइस एक बार फिर से भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। बताएं कि दोनों टीम 10 सितंबर को कोलंबो में टकराएगी। दरअसल दोनों हाल ही में आमने सामने आई थी लेकिन मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। तो गाइस भारत और पाकिस्तान के मैचेस किन किन को देखने में मजा आता है जरा कमेंट करें। तो गाइस अगर आप लोग स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें।